अस्सलाम वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और यहाँ पे मैं सुबह उठी थी और हमारे घर में चल रही थी सफाइयाँ। एक्चुअली मैं आज लेट उठी थी और सफाइयाँ हो रही थी। वैसे तो मैं पहले अपना रूम सेट कर लेती हूँ फिर अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज पहले ये पी लेते हैं, इतनी देर सफाइयाँ हो जाएंगी और फिर हम अपना रूम सेट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये पी लिया था, रखूँगी साइड पर और पहले मैं अपना रूम सेट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपना रूम सेट कर लिया था और अब मैं इसको लेके आई थी किचन में। हमने इसको वेस्ट नहीं करना, हम इसको दोबारा से इसमें पानी फिल करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे 2 घंटों के लिए और हम इसको दोबारा से पी लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने रखा पैन और मैं जो है वो 2 गिलास पानी गर्म करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा पानी बॉयल नहीं करना, बस इतना करेंगे कि हम जो है वो इजीली पी सकें। उसके बाद मैं इसको ग्लास में डालूँगी। आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, बट कभी मैं ऐड कर लेती हूँ, कभी लेमन ऐड कर लेती हूँ। और अब मैं फ्रिज में से लेके आई थी ये मेथी दाना, जो कि मैंने बना 1 हफ़्ते के लिए जो है वो मैं भिगो के रख लेती हूँ। और इसकी ये डबल क्वान्टिटी लेनी होती है, यहाँ पर ये कम है। उसके बाद मैं अगेन 1 गिलास पानी लूँगी और जो है मैं इसके साथ लूँगी मैं 7 दाने कल रंजी के। और आप चाहें तो डिटॉक्स वाटर से पहले भी ये ले सकते हैं और बाद में भी, कभी मैं पहले ले लेती हूँ और कभी डिटॉक्स वाटर पीने के बाद लेती हूँ। उसके बाद डिटॉक्स वाटर को मैं यहाँ पे रख दूँगी ताकि मैं इजीली इसे पी सकूँ और मुझे याद रहे। उसके बाद मैं करूँगी 10 या 20 मिनट ट्रेडमिल। आप वॉक कर लें या जंपिंग जैक्स कर लिया करें मॉर्निंग में, कभी मैं कर लेती हूँ कभी भूल जाती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ बिफोर ब्रेकफास्ट कोई भी फ्रूट्स। उसके बाद मैं इसमें 1 पिंच जो है वो काले नमक की ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े के लगते हैं और इससे आपकी स्किन क्लियर होती है। उसके बाद दोपहर में ये काले चने का सालन बना हुआ था, इसमें मैंने खीरे काट के ऐड कर लिए। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं ये काट के और जो इसकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाती है, ऐसे कुछ स्पाइसी खाने का दिल नहीं कुछ हो तो आप कोई भी सालन ले लें और साथ वेजिटेबल्स यूज़ कर लें। उसके बाद 5 बजे के करीब मुझे भूख लगी थी, तो चाय के साथ वैसे भी दिल करता है कि कुछ खाने को, तो अनहेल्दी से बेहतर है कि बंदा जो है वो हेल्दी खा ले। यहाँ पे मैं बना रही थी ऑमलेट और साथ में मैं लूँगी ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस। तो मैंने 1 अंडा लिया था और उसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसके बाद मैंने ऐड किया था थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, उसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। और काली मिर्च डालने के बाद आप कोई भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, मुझे सिंपल पसंद है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी ओरिगैनो। आप ओरिगैनो ऐड कर लें, इटालियन हर्ब्स ऐड कर लें या कुछ भी ऐड कर लें, इससे जो है वो ऑमलेट का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा डल गया था बट इट्स ओके, मुझे इसका टेस्ट पसंद है। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कीजिएगा सिर्फ उसके फ्लेवर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, और आप इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, प्याज, टमाटर, कोई भी आपको जो पसंद है। मैंने बिल्कुल लाइट सा रखना था इसलिए मैंने सिर्फ धनिया ऐड किया था। उसके बाद मैं ऐड करूँगी ऑलिव्स, यहाँ पे 3 से 4 मैं ऑलिव्स ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल रहे, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ वैसे मशरूम्स भी डाल लें, मशरूम्स का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैं इसको धो लेती हूँ। अब वैसे आप ना भी धोएं तो इट्स ओके, बट मैं जो है वो अच्छी तरह इसको धो के और इसको जो है वो कट कर लूँगी। आप बहुत ज़्यादा छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं ताकि हर बाइट के साथ आए इसका टेस्ट। और यहाँ पे मैंने कुछ छोटे काट लिए थे और कुछ जो है वो नॉर्मल स्लाइसिस काट लिए थे। यहाँ पे जो है वो मैं सारे ऑलिव जो है वो काट लूँगी और उसके बाद मैं इसको ऑमलेट के बैटर में ऐड कर दूँगी और उसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ में बन रही थी चाय, और जो है चाय के लिए मैंने पहले दूध को बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ती। यहाँ पे इसको 1 बॉईल आ गया था और उसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। फेंटने से इसका कलर भी जो है वो चाय का बहुत मज़े का निकलता है और जो है चाय का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह जो है 2 से 3 मिनट चाय को फेंट लूँगी। फेंटने के बाद मैंने अब यहाँ पे 4 कप चाय के बनाए थे और जो है अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। उसके बाद मैंने निकाले अपने 2 ब्रेड के स्लाइसेस। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ और उसके बाद मैं लूँगी 1 पैन, उसमें ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेना था। और उसके अंदर मैंने डाल दिया ऑमलेट का सारा बैटर। और उसके बाद जो है जब ये 1 साइड से पक गया था और अब इसको फ़्लिप करना था, वैसे मोस्टली फ़्लिप होता नहीं है, सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया था, मोस्टली मुझसे फ़्लिप नहीं होता। और अब मैं इसको जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह पका लूँगी। और अब एक दफ़ा हो गया था, अब हमने बार बार तो फ्लिप करना था ना। और यहाँ पर जो है वो मैं दोनों साइड से ऑमलेट को अच्छी तरह से पका लूँगी। अब मैं इसको रखूँगी साइड पर और अपने स्लाइसिस पर गर्म कर लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया था, ऑलरेडी ऑमलेट में बहुत ज़्यादा ऑयल डल गया था। और यहाँ पे जो है मैं अपने स्लाइसेस को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी।
स्लाइसेस को गर्म करने के बाद अब मैं इसमें जो मैंने ऑमलेट बनाया था, अब ये ऑमलेट अगर मेरे से टूट जाए तो मैं वैसे खा लेती हूँ, अब मेरे से आज सही बन गया था तो मैं इसको एज अ सैंडविच ले लूँगी और कोई मायोनीज़ वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर हेल्दी ऑप्शन में नहीं आते। और इसको जो है वो मैं अच्छी तरह से दोनों साइडों से जो है क्रिस्पी कर लूँगी ब्रेड को, और इसके बाद जो है मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी। और चाय तो है वो मेरी ऑलरेडी बन गई हुई थी और यहाँ पे मैंने अपनी रखी चाय। इसको खाने के आधे घंटे बाद फिर मैंने अपना पिया या डिटॉक्स वाटर जो कि हमने सुबह रखा था, और फिर मैं आई थी किचन में और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया। अब मुझे लग रही थी शदीद वाली भूख और मैंने बनाया मसाला, और जिसमें मैंने डाला एक छोटा प्याज और एक छोटा टमाटर डाला था, एक लहसुन थोड़ा सा चॉप कर लिया था, बेसिक से स्पाइसेस थे, एक कप मैंने लिए थे ओट्स के और उसके साथ लिया था एक गिलास पानी। फिर मैंने पैन में लिया एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ले लें कोई भी ऑयल ले लें, मैंने एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का लिया। उसके बाद मैं लहसुन को जो है ब्राउन कर लूँगी, जलाना नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज करना। उसके बाद मैंने प्याज ऐड किए और इसके जो कलर चेंज करने तक इसको बनाएंगे। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और यहाँ पे मैंने बेसिक स्पाइसेस, उसके बाद मैंने 1 कप ओट्स डाला, उसके बाद 1 गिलास मैंने पानी का ऐड कर दिया था और अब इसको मैंने हल्की आँच पर बनाया था। हल्की आंच पे बनाने के बाद मैंने इसको हल्का सा टेस्ट किया और उसमें मैंने फिर डाल दिया था थोड़ा सा चिकन पाउडर। फिर मैंने टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा जो है वो स्पाइसेस कम लगे तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नूडल्स का मसाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। लास्ट में मैंने इसमें डाला थोड़ा सा धनिया और इसको जो है वो लास्ट मिक्स दिया। उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर लिया था धनिया से और ये थी जिसकी फाइनल लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। वैसे 2 to 3 टेबल स्पून इनफ होने थे, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया था। उसके बाद मैंने की रात में 10 से 20 मिनट ट्रेडमिल डिनर के 3 घंटे बाद, और उसके बाद लास्ट में सोने से पहले मैं ये लेती हूँ ये छिलका, इसको मैं 1 गिलास पानी में ऐड करूँगी। ये 1/2 चम्मच ले लें, 1 चम्मच ले लें जो आप इजीली पी सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें जो है पानी डालूँगी और इसको हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता और इसको सिंपल बस हमने ऐसे हल्का सा एक हमने इसको मिक्स देना है और इसके बाद जो है हम इसको पी लेंगे। और इसके ऊपर से 1 गिलास पानी का लाजमी हमने पीना होता है। मैं वैसे मोस्टली 2 गिलास पीती हूँ या कभी 1 गिलास पी लेती हूँ, और इसके बाद हमें 1 गिलास इसके ऊपर से और पी लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।